अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। कोई बहुत बड़ी कानून व्यवस्था बिगड़ नहीं थी। मान लो मलबा शुल्क कोई व्यक्ति मकान बनाता है जमा हो जाता है, वो मलबा शुल्क के नाम पे 1,000 भारत। आप बता दो, मैं खुद यहाँ बैठा हूँ भैया, मैं ऊपर भी अवगत करा चुका हूँ। किसी पार्टी के विरुद्ध आपसी सहमति का भी मामला था तो बातचीत के बिना एफआईआर लॉन्च कैसे हुई है बताइए। वो सत्ता दल का पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के विरुद्ध एफआईआर कर लेंगे आप? नहीं, कारण क्या है? उस व्यक्ति के बारे में जानकारी है आपको जिसने आपके यहाँ पर एफआईआर लॉन्च कराने आया था? उसके वीडियो वायरल है, अवैध वसूली करते उसके वीडियो वायरल है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पूरे देवास में बदनाम है जो व्यक्ति, उसको कट्टे ही कैसे दिया? पहली बात तो यही बड़ा आश्चर्य का विषय नगर निगम नगर निगम का विषय। तो आपकी भी जिम्मेदारी थी एक बार महापौर से या बाकी पार्षदों से आपको बात करना। आपने डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च कर ली? जांच कहाँ की? जान भाई जांच कहाँ? जांच किसने करी? एक मिनट बात, अपनी आपको उसकी शिकायत लेना है तो 1,000 शिकायत कल हो जाएगी। 1,000 दारों के वसूली करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। आप तो एक काम करो, शिकायत कल हो जाएगी। बोल रहा हूँ मैं, आप उन दो को बुलाओ, उनका मेडिकल कराओ। हम हमारे खिलाफ भी रिपोर्ट कर रहे हैं। आप तो करो मेडिकल अभियान करवाओ। हम किसी को वो नहीं, ठीक है, अरे अभियान करवाओ मेडिकल। लेकिन उसने जो आज करा वो गलत करा, बिल्कुल। और दूसरा, आप लोगों को थोड़ा उसके लिए समय देना था, बातचीत करना थी। बिना बातचीत की जो रिपोर्ट हुई वो गलत है। इसलिए आप अभी एसपी साहब से बात करो। नहीं, रिपोर्ट ऐसी मैं कमिश्नर से बात कर चुका हूँ। वसूली कर रहे हैं, नकली वसूली कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को रोकना गलत है क्या पार्षद के द्वारा? गलत है क्या, आप बताइए मुझे। जो मलबा शुल्क नगर निगम ऑलरेडी नक्शा पास करते हैं, वसूल कर लेते हैं। ये खाली डरा के 1,000 दो। अच्छा, उनकी रसीद आप देखते ना, तो रसीद उस जिसको दी उसको 1,000 रुपए लिखा है, वो जो नगर निगम में जमा होगी वहाँ 100 रुपए लिखा है। ठीक करेंगे, गलती तो हुआ उसको ठीक करेंगे। आप एसपी साहब को बताइए, एसपी साहब बात करेंगे। एसपी साहब को बुलाओ। एसपी साहब से बात नहीं करना मुझे, एसपी साहब से बात करनी है। अरेस्टी वाला विषय नहीं है, जीवन जी अरेस्टी वाला विषय नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं लग जाती ना, उसके बाद कोई आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक वो आदमी दिक्कत में ही देगा, है ना? हमारे पार्षद को हम दिक्कत में नहीं रहना देंगे। कहाँ है वो प्रवीण? उसको यही बुलाओ। अंदर कांड में जाना है वो तो। अंदर कांड। आपसे पूछो, उनसे बात करूँ, आपकी बात करूँ? आप इस इससे इस पे साहब से बात करो। राजेश भैया संजय, जो इनकी प्रोसेस रहती है वो चुकी एफ आई आर होने के बाद तो ऐसा तत्काल खत्म हो जाएगा। दोनों पक्षों का नहीं, जी जी कर रहा हूँ मैं अभी तक कर जी ठीक। हेलो, ठीक। आप थाने पे आए, मैं जो घटना घटना उसके आपके क्या बात हुई? थाने पे नारेबाजी भी की आपके कार्यकर्ताओं ने? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रवीण वर्मा
जो कि जिला महामंत्री पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनके पंकज वर्मा जो हमारे जिला महामंत्री, उनके छोटे भाई भी हैं और एक अच्छे स्वयंसेवक भी हैं। उनके वार्ड में कुछ नगर निगम के कर्मचारी मलबा शुल्क के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे, उन्होंने रोकने का प्रयास किया। बातचीत में कहीं झूमा झटकी में वो रसीद कट्टा फटा था, उसको लेकर जो एक कर्मचारी नगर निगम का था उसने थाने पर आकर FIR लॉन्च करवाई थी। यहाँ पुलिस प्रशासन ने जिस भी कारण से है बिना कोई चर्चा किए FIR दर्ज कर ली थी। हमने चर्चा की, SP साहब महोदय से भी चर्चा हुई, माननीय कमिश्नर से भी चर्चा हुई है और महापौर जी से भी चर्चा हुई है। ओवरऑल निष्कर्ष ये निकला है कि उस FIR पर कोई आगे में कार्रवाई नहीं होगी, दोनों पक्षों को बिठाकर यहीं पर उसका खात्मा किया। भैया पार्षद के साथ में विकास प्राधिकरण अध्यक्ष भी है, देखा जा रहा है नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का विवाद आए दिन बढ़ते चल रहा है। नहीं, ये कामकाज को लेके और अभी जो परिस्थितियां चल रही उसको लेके कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति ऐसी नियमित हुई है। मानते हैं असमंजस दोनों में कहीं नहीं, असमंजस वाली स्थिति जहाँ है संगठन की तरफ से हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से आज की घटना के बाद हम पूरी टीम को लेकर माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में एक बार सब बैठेंगे और इन सब लोगों का आपसी सामंजस्य करते हुए नगर निगम इस देवास के विकास में एक अच्छा रोल प्ले करे, उस भाव से सारे पार्षद सहयोगी बने, इस भाव से हम निश्चित रूप से एक सामूहिक बैठक बिठाने वाले हैं। आश्वासन मिला क्या उनको? आज दोपहर में नगर निगम कर्मचारी छोटेलाल शर्मा द्वारा भाजपा पार्षद प्रतिनिधि प्रवीण वर्मा के खिलाफ शासी काल में बाधा की उनकी FIR दर्ज कराई गई है। उसी FIR के विरोध स्वरूप देवास शहर के देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री राजेश यादव के नेतृत्व में जनप्रतिनिधिगण आए थे, जिनके द्वारा उस FIR के संबंध में विरोध दर्ज कराया गया है। उनके द्वारा दर्ज कराए गए विरोध के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया है, जिसका निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त होने वैसी कार्रवाई की जा रही है। उनका ऐसा कहना था कि पुलिस ने दबाव में कार्रवाई की है, नहीं ऐसा कोई दबाव वाला कोई विषय नहीं, बिना जांच के FIR करी है। FIR तथ्यों के आधार पर हुई है। नगर निगम कर्मचारी हैं, उनका जो रसीद कट्टा, उनको नगर निगम से शासकीय रसीद कट्टा प्रदाय किया गया था, उसको फाड़े जाने के तथ्य सामने आए थे, उसके पश्चात FIR की गई। ठीक।